हेलो एवरीवन, आई एम एकता। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैनी ऑफ यू हैव जॉइंड मी रिसेंटली एंड मे माइट बी क्यूरियस अबाउट माय बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। आई लिव इन दिल्ली एंड माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ एक्चुअली ह्यूमैनिटीज़। आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2020 फ्रॉम DU एंड After that, I started preparation, but I didn't make any strategy or plan. I had watched many toppers video and everything, but the mistake I did at that point of time that I didn't make any plan, any broad plan and mini plans, anything. So here I want to make a point that if you are a beginner or if you are at any point in this preparation, or in any preparation, in any exam, so make a plan, because make a plan actually it's year wise or whatever time your exam is taking, make a matlab bilkul perfect plan bana ke chalo. I don't say perfect, matlab bilkul aapke dimag mein hona chahiye ki aapne ek saal mein kya karna hai, ek mahine mein kitna complete karna hai, और उसके बेसिस पे आप अपना हफ्ते का और फिर डेली का धीरे धीरे कैसे डिसइंटीग्रेट करके आप अपना प्लान बनाते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें, क्योंकि रियलाइज़ नहीं होता द सिलेबस इज़ वेरी बिग। सो आप करते रहोगे आपको लगेगा, बट एक पॉइंट आएगा कि आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और आप नहीं कर पाए। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो आप प्लीज़ एक स्ट्रेटजी और एक प्लान ज़रूर बना के चलेगा। सो इफ़ आई टेल यू इन ब्रीफ, सो जस्ट टेक अ पेन पेपर, डोंट मेक इट लाइक इन योर माइंड और समथिंग, बिकॉज इनिशियली आई यूज टू से टू माई फ्रेंड्स एंड एवरी वन दैट इट्स इन माई माइंड, आई नो वॉट आई नीड टू डू। सो इट्स अ फॉल्स थिंग, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स विद यू। So decide a notebook or a diary or something and note everything in that, okay? Watch some toppers video, ठीक है? And उसमें से आप देखो कि आपका background क्या है, आप उस background के जो toppers हैं उनका videos देखो, उनसे guidance लो, उन और एक resource list सबसे पहले तो final कर लेना है कि आपने क्या पढ़ना है। आप कोचिंग ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो उस पर रिसर्च कर लेना है। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो भी आप रिसोर्स लिस्ट फाइनल कर लो, और फिर उसको आप नहीं छेड़ोगे कि आप अट्रैक्ट हो जाओ दूसरे रिसोर्स लिस्ट से या कुछ भी, कि हम ये भी कर लेते वो भी कर लेते। बिकॉज मैंने हमेशा सुना था टॉपर्स बोलते थे कि नहीं होता है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं रियलाइज़ करूँ सच में बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो रिसोर्स लिस्ट फाइनल होनी चाहिए, और उसके बाद उनसे ही सीखा किसी एक टॉपर से कि मतलब आप बुक्स के पेजेस काउंट कर लीजिए, उसको बांट लीजिए उसको कि कितना करना है, आप अपनी कैपेसिटी आपकी कितनी है, कि मैं 20 पेजेस हर दिन कर सकता हूँ कि 40 पेजेस कर सकता हूँ। सो उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करके आप मतलब इस तरीके से आप प्लान बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड मी। टिल देन कीप स्टडिंग, विल मीट सून विद न्यू व्लॉग। बाय।